हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव कैंप चैनल में। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जानकारी मैं बीच बीच में आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, आरोही स्कूल शिक्षक भर्ती पे है और मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं जिसमें कई लोग ये दावा करते हैं कि हमें ओरली ये जानकारी मिली है कि भर्ती अब शुरू हो जाएगा, भर्ती अब 1-2 महीने में होने वाला है। लेकिन उनको सोर्स पूछो तो कोई सोर्स नहीं होता, वो केवल एक कोई सोर्स देते नहीं है, कहते हैं हमें यहाँ पे सूत्र से पता चला। मैं आप लोगों को बता दूं, ये भर्ती ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस भर्ती में पैसे की खूब उगाही होती थी जो अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, ये हरियाणा है, यहाँ पे जब तक आप लोग शोर नहीं मचाओगे, जब तक सोशल मीडिया के थ्रू से, जब तक जो भी कोई मंत्री लाइव आता है तो उसमें, मैंने कई बार ये जैसे दुष्यंत चौटाला या आपका खट्टर साहब जो आते हैं उसमें मैं देखता हूँ, टीजीटी वाले जो अदर वैकेंसी वाले हैं या जेई वाले हैं, खूब ट्वीट करते रहते हैं, खूब उस मैसेज डालते रहते हैं कि इस वैकेंसी का क्या होगा जो अटका हुआ है 5 साल से, 2015 वाले कई लोग आप लोग उसमें भी होंगे, टीजीटी इंग्लिश वाले में भी होंगे, उसकी वैकेंसी लटकी हुई है, पीजीटी संस्कृत वाले भी कई होंगे जिन्होंने आरोही का एग्जाम भी दिया होगा, तो वो लोग अपने विचार डालते रहते हैं। मैं देखता हूँ आरोही के नाम का एक भी कमेंट नहीं आता है उन सब वीडियोज पे जो लाइव वीडियो चल रही होती हैं, कोई कभी सोशल मीडिया पे कोई कुछ नहीं लिखता। और ये वैकेंसी आपको पता है, इस पे जो हम लोग ने एग्जाम दिया था उसके बाद इसके जो है रिजल्ट भी, जो स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिया गया था किसके कितने स्कोर थे, उसके बाद कुछ उसका जो है उसको फिर इम्प्रूव भी किया गया, फिर दोबारा भी जारी किया गया, उसके बाद आखिर ये रुक क्यों गई। तो ये हरियाणा है भाई साहब, आप जब तक इस पर चर्चा नहीं करोगे, जब तक आप इस बातों को, जब तक आप ऐसे रहोगे, सोए रहोगे, आप कुछ चर्चा नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो मत शेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो शेयर करो उससे चर्चा हो जाएगी। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे जब भी कोई कभी लाइव मिले कम से कम एक चर्चा तो करो, एक आरोही नाम का एक मैसेज तो डाल दो कि आरोही की वैकेंसी भी अटकी पड़ी है। आप लोग मतलब कि कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भाई हरियाणा है, ये हिंदुस्तान है, जब तक चिल्लाओगे नहीं ना तब तक कोई नहीं आने वाला। और ये जो YouTube पे आपको दिलासा देते रहते हैं ना, झूठे की 2 महीने 1 महीने 2 महीने भूल जाओ, कुछ नहीं होना, इन लोगों के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट में कब जो है वो उस वैकेंसी का नोटिस जारी। ये देखिए वेबसाइट, मैं इस पे दिखाना चाहता हूँ कि आपका, ये मैंने वेबसाइट ओपन किया है और इस पे आपको जो कोई भी कुछ भी दिख रहा है कोई नोटिस, और लोग पता नहीं कैसे वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं और इसका ये नोटिस आया है, फिर पूछो तो लास्ट में वीडियो में देखते रहो तो वो कहते हैं कि हमें जो है अभी रिटर्न नोटिस तो नहीं आया, हमारा जानकारी है, उस जानकार से हमने पता किया तो ऐसा ऐसा है। अरे भैया कुछ भी नहीं है, जब तक बात नहीं करोगे, जब तक आप सोशल मीडिया के थ्रू से, जब तक मैं बताता हूँ, ये लास्ट इसका जो एक नोटिस था, ये नोटिस आपका आरोही का जो कब आया था नोटिस, ये देखिए, इसके बाद ये डुप्लीकेट रिजल्ट जो पीजीटी का अपडेट हुआ और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरोही एग्जाम, इसके बाद कोई भी नोटिस आपको कुछ नहीं दिखने वाला आरोही से रिलेटेड, कुछ भी वेबसाइट पे नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब कम से कम कुछ चर्चा तो करो यार आरोही पे करो। नहीं, मुझे कोई, मैं बहुत बड़ा चैनल यूट्यूबर नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कम से कम चर्चा करो। आप जब भी आप किसी लाइव वीडियो को देखते हो, आरोही नाम का एक कुछ तो लिखो कि आरोही की भर्ती भी अटक रही है, सारे लोग लगे पड़े हैं, 2015 में जो वैकेंसी SSC की थी वो भी सब लगे पड़े हैं, आरोही कई कैंडिडेट कॉमन भी है, मैं जानता हूँ कि कुछ इसमें है उसमें भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ तो चर्चा करो, कुछ तो आगे बात करो, चर्चा करो, या एक ग्रुप ही यदि आप लोगों का यदि विचार हो तो ये फेसबुक पे ही कोई ग्रुप बनाओ करो, या अपना कोई ग्रुप बना लो, कुछ भी मतलब कहीं से भी एक आप बनाओगे, ऐसा मत सोचो कि अभी ग्रुप बन गया तो उसमें तुरंत लोग आ जाएंगे। आप शुरुआत तो करो, एक शुरुआत करो, कहीं लिंक शेयर करो, 10 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 से 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, इसी तरीके से चर्चा होगी। हो सकता है अभी किसी, कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो वो अगले दिन न्यूज में आती है, न्यूज पेपर में आएगी तो फिर लोगों का ध्यान जाएगा उस पर, तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं कैजुअल में बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं जो है, उम्मीद देखो एक आशावाद और निराशावाद के बीच में एक जो इंसान खड़ा होता है उसको यथार्थवादी कहते हैं, तो यथार्थ में आप जीने की कोशिश करें। यथार्थ यही है कि अभी इस वैकेंसी का कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोग शोर नहीं मचाओगे। थैंक यू सो मच।